हेलो व्यूअर्स, आज असं ऑफिस मैनेजर चैप्टर नंबर 6 MOP नैक्सट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जी फंक्शंस और रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ द ऑफिस मैनेजर। कि ऑफिस मैनेजर कि रिस्पोंसिबिलिटीज ने कि फंक्शंस ने जो असं डिस्कस करने हैं। टॉपिक शुरू करने तो पहले मैं रिक्वेस्ट करना कि जिन्होंने मेरा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल प्लीज सबसक्राइब कर लें ताकि आने वाली कॉमेंट्स दीडियोज जगह रह। जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगती है वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सैक्शन के मैं दस्यो तुहानू वीडियो कितना की लगी। सो शुरू करते हैं टॉपिक फंक्शंस और रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ द ऑफिस मैनेजर। सब तो पहला फंक्शन और रिस्पोंसिबिलिटी जी ऑफिस मैनेजर की है टू प्लैन ऑफिस वर्क, यानी उन्हें प्लैनिंग का सारा काम जोड़ा है वो ऑफिस मैनेजर करेगा। क्योंकि प्लैनिंग जोड़ा वो एक बेसिक फंक्शन है किसी भी ऑर्गनाइजेशन का, क्योंकि शुरुआत जी प्लैनिंग तो ही की जाती है। इस करके सब तो पहला स्टैप जो प्लैनिंग का वो ऑफिस मैनेजर को ही परफॉर्म करना पैदा है। उन्हें यह डिसाइड करना है एडवांस के बच्च ही कि करना है, वेयर कितने करना है, वैन कदों किया जाएगा, या हू इज़ टू डू अ जॉब, यानी कौन ये जॉब परफॉर्म करेगा। यह सारिया चीज़ें डिसाइड करने का काम जो ऑफिस मैनेजर का है। ऑफिस मैनेजर का यह फंक्शन है कि उन्हें प्लैन करना है, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैड के नाल जो कंसल्ट करना है, पहला कंसल्ट करने तो बाद जो उन्हें अपने परसनल फोर्स प्लस फिजिकल फैसिलिटीज जड़िया रिक्वायर्ड ने जड़िया कि प्लैनिंग वास्ते वो सारिया ने सारिया जो ध्यान से रख के जो प्लैनिंग करनी है। उन्हें प्रोसीजर्स भी प्लैन करने हैं, मैथड्स भी प्लैन करने हैं कि कि मैथड कि प्रोसीजर जोड़ा है वो कोई काम को करने के लिए यूज किया जाएगा। ये सारी प्लैनिंग जी ऑफिस मैनेजर ही करेगा। सैकेंड यदा फंक्शन ये आ जाता है ऑर्गनाइजिंग द ऑफिस वर्क। दूसरा फंक्शन यदा यह है कि ऑर्गनाइज करना काम, ऑर्गनाइज किमें करना, उन्हें फिजिकल तो मैनुअल रिसोर्स दोनों उन्हें मैनेज करना है। उन्हें की करना है सब तो पहला एक जेकर वो अपने ऑर्गनाइजेशन बड़े इफेक्टिव तरीके जेकर वो चलाना चाहता है तो वह सब तो पहला आइडेंटिफाई करेगा कि वो कि रिसोर्स ने, चाहे वह ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वह फिजिकल रिसोर्स हो। उन्होंने रिसोर्सिज जदों आइडेंटिफाई कर लेंदा वो बाद उन्हें अपनी अथॉरिटी प्रॉपर तरीके डेलीगेशन जी करनी है। ये दो चीज़ा फिर उ आ जाएँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी, यानी उन्हें पावर भी बननी है प्लस उन्हें जिम्मेवारी भी जी तय करनी है कि कौन की काम करेगा। इस फंक्शन के ऑर्गनाइजिंग फंक्शन के यो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कि काम जो कौन परफॉर्म करेगा, तो उन्होंने किन्नी पावर दी जाएगी, उन्होंने किन्ना काम जो दिता जाएगा, वो किन्नी रिस्पोंसिबिलिटी तय की जाएगी। इस दे नाल नाल उन्हें ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि मैनेजर शुड मेक अवेलेबल द लेटेस्ट इक्विपमेंट, यानी मैनेजर जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो उन्होंने मुहैया करवाएगा, डिवाइसिस मुहैया करवाएगा जॉब में परफॉर्म करने के लिए, चाहे वह लाइटिंग का प्रबंध करके दे या वो साउंड कंडीशनिंग वगैरह, यानी कुछ भी हो सकता जिहड़ा कि उन्होंने काम करने के जरूरत पड़ती है, वो सारिया जिहड़ियां एटमोसफेयर जो क्रिएट करने का काम जो ये करेगा। नैक्सट तीसरा फंक्शन है जी यदा डायरैक्टिंग द अफेयरस ऑफ ऑफिस। देखो डायरैक्टिंग फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि प्लैन करने तो बाद ऑर्गनाइज करने तो बाद एम्पलॉइज़ को डायरैक्ट करना बड़ा जरूरी है, इंस्ट्रक्शन देनिया बड़िया जरूरी है ताकि वह ऑर्गनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जोड़ा है वो बड़े कोऑर्डिनेशन के नाल काम कर, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर, क्योंकि जो उन्होंने डायरेक्शन दी जाती है डायरेक्शन देने वाला एक लीडर के तौर पर काम करता है, एक मोटीवेटर के तौर पर काम करता है क्योंकि उन्हें टीम को लीड भी करना है, उन्हें टीम को मोटीवेट भी करना है। इस करके ऑफिस मैनेजर जो है ना वो एक चंगा कम्युनिकेटर होना चाहिए है ताकि वो वधिया क्वालिटी की डायरेक्शन जी वधिया क्वालिटी की इंस्ट्रक्शन जी वो अपने एम्पलॉइज में जो दे सके। चौथा फंक्शन ऑफिस मैनेजर का यह आ जाता कंट्रोलिंग ऑफिस वर्क। कंट्रोलिंग ऑफिस वर्क के उन्हें स्टैंडर्ड तय करना है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना है कि जिहड़ा भी ऑफिस वर्क है वो इकनोमिकल तरीके दे नाल ते इफेक्टिव तरीके दे नाल जिहड़ा कंप्लीट हो सके। इकनोमिकल का मतलब है उन्हें टाइम भी बचाना, उन्हें पैसा भी बचाना। इफेक्टिव का मतलब है कि वह जिन्ना परफेक्ट तरीके दे नाल काम कर सकता उन्ना परफेक्शन दे नाल जिहड़ा काम करना। हुण कंट्रोलिंग दे विच की है कि उन्हें सब तो पहला कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने हैं, चाहे वह टाइम के नाल रिलेटिड स्टैंडर्ड हो, चाहे वह कॉस्ट के नाल रिलेटिड स्टैंडर्ड हो, चाहे वह क्वालिटी के नाल रिलेटिड स्टैंडर्ड हो। उन्हें पहला ये स्टैंडर्ड जो तय करना है, स्टैंडर्ड तय करने तो बाद उन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस को जोड़ा है वो उन्हें नोट करना है।
एक्चुअल परफॉर्मेंस नू ऑब्जर्व करने तो बाद उन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस की जी कंपैरिजन है उन्हें वो अपने स्टैंडर्ड के नाल करके देखनी है। जेकर किसी भी तरीके की कोई डेविएशन निकलती है तो उन्हें उस डेविएशन को ठीक भी करना, यानी जेकर कोई काम प्लैनिंग के अकॉर्डिंग जो नहीं चल रहा उन्हें फिर उस एम्पलॉई को जोड़ा है दोबारा ट्रैक के उपर लैके आना जेकर कोई आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। इस करके ये भी वह बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नैक्सट फिफ्थ फंक्शन ये आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो बगैर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑफिस मैनेजर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन्हें सारे एम्पलॉइज को इकट्ठे कंट्रोल करे ताकि वो कॉमन गोल अचीव कर सकन। इस करके उन्होंने की है कि एक तालमेल बनाना पैदा, कोऑर्डिनेशन बनाना पैदा ताकि एम्पलॉइज जोड़े उन्होंने एफर्ट्स ने बैलेंसड हो, टाइम्ड हो, इंटीग्रेटिड हो टूवर्ड्स द गोल, यानी वो जिन्हें भी ऑफिस वर्क जिन्हें परफॉर्म करना है, जिन्हें भी एम्पलॉइज जो भी काम कर रहे हैं उन्होंने वो काम ये सोच के करना है कि उन्होंने अपना गोल अचीव करना। सो इस करके उन्होंने काम के भी जी कोऑर्डिनेशन तालमेल होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल गोल जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर जो आप देखिए तो इंडिविजुअल गोल में जरा इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती जिनी कि एक टीम गोल में दी जाती है। इस करके उन्होंने कोऑर्डिनेशन का काम जो ऑफिस मैनेजर जो करता। नैक्सट कम्यूनीकेशन है जी, कम्यूनीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कम्यूनीकेशन तो बगैर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सैसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जेकर डिपार्टमेंट के अंदर या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जेकर कम्यूनीकेशन कोई गैप है तो जाहिर जी गल है कि ऑर्गेनाइजेशन कई तरह की प्रॉब्लम जो फेस कर रही पड़ी है। इस सेम अपने घर वाला हिसाब किताब है जी, जेकर तुम घर के कम्यूनीकेशन वधिया करते हो तो तुहाडे घर का बड़ा जो हर एक काम जो बड़ा स्मूथली चलता, तो जो कम्यूनीकेशन गैप आ जाता तो उदो कई बार लड़ाई झगड़े जो शुरू हो जाते हैं। इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन के भी है जी, ऑर्गेनाइजेशन के जी कम्यूनीकेशन आ कम्यूनीकेशन इस तरीके की होनी चाहिए आ कि जोड़ा टॉप मैनेजमेंट है वो अपने लोअर लैवल यानी अपने एम्पलॉइज सबॉर्डिनेट्स बड़े अच्छे तरीके जो कम्यूनीकेट करे, जेकर सबॉर्डिनेट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बेझिझक जोड़ा अपने टॉप सुपीरियर के कोल जो किसी भी तरीके की कम्यूनीकेशन भी करके अपने उस मसले को हल करवा सकते। इस करके कम्यूनीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जरा हो जाएगा। नैक्सट सतवा फंक्शन है जी ये ऑफिस एनवायरमेंट, क्योंकि इन्हें ऑफिस मैनेजर ने ऑफिस एनवायरमेंट जरा क्रिएट करके देना, जिस एनवायरमेंट के जो एम्पलॉइज ने कम करना है वो एनवायरमेंट जरा उन्हें बना के देना है अपने एम्पलॉइज न। वो कई तरह दीज़ा जो ध्यान रखेगा जिमें स्पेस लेआउट कि स्पेस किम चाहिए आ, लाइटिंग एयर कंडीशन या हो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ या जो भी फिजिकल रिसोर्स जो प्रोवाइड कर सकता वो उन्होंने प्रोवाइड करके एक अच्छा इनवायरमेंट जो क्रिएट करके देगा, जिते कि जिन्हें भी ऑफिस वर्कर ने या जिन्हें भी उन्होंने एम्पलॉइज ने उन्होंने मूवमेंट जी घट तो घट करनी पड़े, उन्होंने वो चीज़ा उन्होंने टेबल के उपर ही अवेलेबल हो। सो ये भी वह बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नैक्सट फंक्शन आ जाता है कि ऑफिस सिस्टम एंड रूटीनस, ऑफिस सिस्टम एंड रूटीनस के बीच की है कि उन्हें रूटीनस तय करनी है, सिस्टम तय करना है, उन्हें मैथड्स डिसाइड करने हैं, उन्हें प्रोसीजर्स डिसाइड करने हैं कि हो सकते हैं। देखो एक ऑफिस मैनेजर जोड़ा है वो जो किसी भी रूटीन तय करता है तो वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि वह रूटीन इस तरीके की बनी हो जिदे वेस्टेज जी टाइम की कॉस्ट की बहुत घट होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें दसदा जिमें अपने स्कूल का टाइम टेबल है, जेकर टाइम टेबल ना बनाया जाए तो फिर कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगी कि कड़ा पीरियड किड़े सब्जेक्ट में दिता जाए या किड़ा पीरियड किड़े सब्जेक्ट का लगेगा, ये बगैर टाइम टेबल एक प्रॉब्लम आती है। इस तरीके जेकर रूटीन बना के ना दी जाए अपने एम्पलॉइज में तो उदों भी यहोजियां प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे कि उन्होंने की काम परफॉर्म करना है, किमें करना है, की करेंगे, वो ये सारिया चीज़ें जीडिया बनने जरूरी होती है। नैक्सट है जी नवा फंक्शन परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड सप्लाईज, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि स्टेशनरी में परचेज करना, सप्लाईज में परचेज करना, जिन्हें जिन्हें चीज़ों की लड़ है उन्होंने एम्पलाइज में उन्होंने अरेजमेंट करनी जी बड़ा जरूरी है, उन्हें ही डिसाइड करना कि किड़े सप्लायर के कोलों ये सारी सप्लाईज जी खरीदी जाए, ये सारी स्टेशनरी जी खरीदी जाए ताकि हर एक तरह की स्टेशनरी जी अपने एम्पलाइज में मुहैया करवाई जा सके। नैक्सट है जी दसवां पब्लिक रिलेशन, ऑफिस मैनेजर जोड़ा है वो एक इंपॉर्टेंट लिंक के तौर पर काम करता है एक ऑर्गनाइजेशन के एक आउटसाइडर के, आउटसाइडर्स कौन हो गए जो अपने कस्टमर्स ने या जो अपने इंक्वायरर ने जो अपनी कंपनी बारे
इंक्वायरी कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। ही एक्ट्स एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो है काम करता है। ही प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि जेडे भी लोग किसी भी इंफॉर्मेशन की डिमांड करते उन्होंने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ये बड़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो यही चीज़ा ने जिड़िया कि किसी भी ऑर्गनाइजेशन दियाँ रैपूटेशन जीडिया तय कर दें इमेज बिल्ड कर दी है, क्योंकि जेकर उन्होंने पब्लिक के डीलिंग वधिया होएगी तो जाहिर जी गल है कि ऑर्गनाइजेशन जोड़ा है वो ज़्यादा तो ज़्यादा जो अपना प्रॉफिट जो कमाएगा। नैक्सट है नैक्सट फंक्शन ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन वधिया बना के रखना। हूँ इतने मैं दो तरह की गल करूँगा, जिमें एक एम्पलॉई है या फिर एक सुपीरियर है। सुपीरियर ते एम्पलॉई का रिलेशनशिप, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा होना चाहिए। जेकर सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप वधिया होंगे तो जाहिर जी गल है कि वो कम्युनिकेशन जी वधिया करेंगे एक दूसरे के नाल, कम्युनिकेशन वधिया होएगी तो उन्होंने जोड़ा गोल है वो बड़े आसानी के नाल अचीव कर सकते हैं, इस करके उन्होंने ह्यूमन रिलेशन भी बना के रखने हैं। नैक्सट है जी प्रोक्यूरमेंट ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। सिंपल जहा पॉइंट है कि फर्नीचर इक्विपमेंट का सारा इंतजाम जोड़ा है वो ऑफिस मैनेजर ने ही करके देना। नैक्सट है ऑर्गनाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विसिज, उन्हें ये चीज़ा डिसाइड करनी है कि सर्विस जी है डिपार्टमेंट को किमें किमें दी जाऊगी, जिमें वो टाइपिंग डुप्लीकेटिंग किसी चीज़ को टाइप करना, डुप्लीकेट तैयार करने, मेल्स हैंडल करनिया, फाइलिंग करनी, इंडैक्सिंग करनी, ये सारिया सर्विसिज जीडिया है वो ऑफिस मैनेजर परफॉर्म करता है। ऑफिस मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड को जोड़ा मुहैया करवाता है। इस तो अलावा कुछ मिसलेनियस फंक्शन भी है जिमें कि फर्नीचर फिटिंग मशीन इक्विपमेंट वगैरह ध्यान रखना, ऑर्गनाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ द ऑफिस कोरस्पोंडेंस मैनेजर, ये भी कुछ एक्सट्रा है जिहड़े तुसीं लिख सकते हो। सो ये असीं अज डिस्कस किया कि ऑफिस मैनेजर दियाँ की रिस्पोंसिबिलिटीज ने, की फंक्शनस ने, ऑफिस के जो फंक्शन है ऑफिस की जो रिस्पोंसिबिलिटीज ने वही रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफिस मैनेजर दियाँ भी होंगे। यानी जो तुसीं एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हो फंक्शन ऑफ ऑफिस तो ऑफिस मैनेजर का जो रिस्पोंसिबिलिटीज का फंक्शन भी वो भी तय हो जाएगा, यानी वो भी तैयार हो जाएगा। सो इन इस तरीके टैक्निक तैयार करो ताकि एक चीज़ करने के दो क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाए। सो मैं आस करता कि तुम्हें वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के।